गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटे, आज फिर क्या आगे कंटिन्यू किया जाए? नेक्स्ट चैप्टर बहुत गंदी है, मैं कॉपी खा रही है। लूसी हेलो हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाए? यस ठीक ओके। हाँ हाँ चलो साइड से तो ठीक है। ठीक है, ऐसे में मसूर आ गए हैं, पढ़ा रहे हैं। फाइनल लेसन। हाँ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ चलो ठीक है, तो जो ये लेसन कटा है ना या फिर लेसन आ रहा है हाँ वो बता देने तो बात। ठीक है भेज रहा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। Now we will start the next chapter. Magnetic effect of electric current. Next chapter है magnetic effect of इलेक्ट्रिक करेंट। ओके इफेक्ट ऑफ, आगे नहीं आ रहा है वो, थोड़ा सा इसका रेंज जो है। ठीक गुड मॉर्निंग सर। लिसन केयरफुली, व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? बाय द हेल्प ऑफ आवर एक्टिविटीज वी कैन शो दैट अ करेंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। अगर किसी वायर में या फिर किसी कंडक्टर्स पे अगर हम करंट फ्लो कराएं, देन हमें क्या मिलता है कि वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब बता ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है या फिर मैग्नेट क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। इन अर्लियर क्लासेस, पहले आपने अपने पिछली क्लासेस में मैग्नेट्स के बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा। मैग्नेट्स क्या होते हैं? एक तरह का एक नेचुरल सब्सटेंस। आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं जा रही है? मौसम थोड़ा सा बारिश हो रहा है बड़ा यहाँ पे सर, यहाँ पे बड़ी तेज बारिश भी बारिश हो रहा है। हाँ तो इस वजह से थोड़ी सी सर, इस वजह से बारिश हो रहा है बहुत तेज। सुनो बीच में कमेंट्स में, तो मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए मैंने कहा कि आप पहले मैग्नेट्स को जानो, मैग्नेट क्या होता है। तो सपोज दैट अ नेचुरल सब्सटेंस which has a tendency to attract small pieces of nickel, cobalt, iron, etc. जैसे आप बचपन में आपने अपने चाइल्डहुड में खेलते खेलते भी मैग्नेट आपको कभी मिला होगा, तो आप देखते हैं कि वो आयरन पीसेस को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है, उसकी अपनी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसका अपना एक मॉलिक्यूलर रीजन है जिसके वजह से वो आयरन निकिल कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये तो हो गया मैग्नेट के बारे में। अब हम कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रिक करंट आल्सो पॉसेस दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। एक करंट के अंदर भी ये प्रॉपर्टीज आती है कि वो मैग्नेटिज्म को शो करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूं, सपोज दैट हमने एक ये नेल ले लिया, एक हमने नेल ले लिया ओके, और इस पर मैंने ये एक वायर ये लपेट दिया और इसको बेटा मैंने एक बैटरी के टर्मिनल से, आपने मार्केट से आप इस तरह की बैटरी ले सकते हैं जिसमें दो टर्मिनल्स यहाँ पे निकले रहते हैं,
कि 25-30 रुपीज के आसपास की बैटरी आती है 6 वोल्ट की, आप यहाँ से सपोज कनेक्ट करा दिए, पॉजिटिव टर्मिनल है और ये दूसरी वाली नेगेटिव टर्मिनल है, इसको भी आपने कनेक्ट करा दिया। अब क्या होगा, ये करंट ऐसे फ्लो होगी, ये करंट ऐसे जाएगी और इससे होकर के वापस आ रही। अब आप देखोगे कि जैसे इसमें करंट फ्लो होगी तो ये जो आपका आयरन नेल था, क्या था, आयरन नेल, एक कील थी, एक कांटी थी, इसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाएगा। मीन्स अब ये छोटे छोटे आयरन पीसेस को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आई बात समझ में? जब इसमें करंट फ्लो होने लगे तो ये आयरन नेल एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगा। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है वो एक मैग्नेटिज्म को भी होल्ड करती है, उसके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज भी है। इस बात को यहाँ पे इसे आगे देखते हैं, कुछ मैग्नेट से ही रिलेटेड फिर इसके अगले टॉपिक्स को देखा जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर जो बोल रहे हैं ना तो उसका डिफिनेशन बोर्ड पे लिख दीजिए, सुनाई नहीं दे रहा है तो हम लोग नोट कर लेंगे। अच्छा अच्छा, मैं बिल्कुल जो नोट्स के लायक होगा उसको मैं खुद ही लिख दूंगा, उसे नोट कर लेना। ये ऐसे एक्टिविटीज करके था इसलिए मैंने इसको आपको ऐसे डिस्कस किया, जो नोट्स का होगा मैं खुद लिख दूंगा। अभी देखते हैं बेटा कि मैग्नेटिज्म क्या चीज है, या मैग्नेटिक फील्ड वगैरह क्या होता है, ये बल्कि नोट कर लें। ले जाए कहाँ लेकर बैठी लेकर करेंट कैरिंग, वायर शुरू का पढ़ा है, करेंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा तो वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा, यानी कि अपने चारों तरफ वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसको थोड़ा जानिए। और भेज देना मैग्नेटिक फील्ड बेटा, ये हमने एक बार मैग्नेट ले लिया, बार मैग्नेट समझते हैं, ए मैग्नेट ऑफ रेक्टेंगुलर बार शेप, जैसे आपका ये डस्टर ही है, डस्टर का शेप भी कैसा है, एक रेक्टेंगुलर बार शेप का है। अगर ऐसा हमने कोई मैग्नेट ले लिया इसको बोलते हैं बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, ओके। अब इस तरह का आपने जो बार मैग्नेट लिया तो हम क्या देखते हैं कि इसके चारों तरफ इस पूरे स्पेस में ये एक ऐसा फील्ड प्रोड्यूस करता है जहां पे अगर दूसरा कोई भी अगर मैग्नेट ले जाए या फिर कोई कंपास ले जाए, कंपास भी क्या है, मैग्नेटिक नीडल होती है, उस पे एक फोर्स लगने लगता है, एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करने लगता है, या निकिल कोबाल्ट आयरन का पीस हो उसको अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करने लगता है, तो ऐसे फील्ड को आप क्या कहोगे, मैग्नेटिक फील्ड कहोगे। तो इसको आप यहां से नोट कर लो मैग्नेटिक फील्ड में द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वह स्पेस इन विच इट एक्सर्ट Thank you.
अ मैग्नेटिक फोर्स किसी मैग्नेट के आसपास का वो रीजन, वो फील्ड, वो एरिया, वो स्पेस जिसमें वो एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करता है कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ये जो पकड़ता क्या हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड? अभी क्या है तो थोड़ा मैग्नेट्स के बारे में भी कुछ और जानिए। मैग्नेट आवाज नहीं जा रही है? नो सर, थोड़ा सा वेदर प्रॉब्लम है बेटा। अ मैग्नेट हैज इट्स टू पोल। मैग्नेट्स के कितने पोल हो गए? टू, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अभी कौन सा नॉर्थ पोल होगा और कौन सा साउथ पोल होगा इसको भी समझो कुछ इस तरह से। जैसे मान लीजिए हमने एक बार मैग्नेट ले लिया, ओके, और मैंने फ्रीली इसको यहां से इस तरह से सस्पेंड कराया। ये हमने एक बार मैग्नेट लिया, हमने इसको थ्रेड से बांधा और फ्रीली ऐसे सस्पेंड कराया। अब आप देखते क्या हो, इस बार मैग्नेट का वन एंड एक तरफ का जो ये है वो नॉर्थ डायरेक्शन में स्टे होता है और दूसरा साउथ डायरेक्शन में। तो द एंड्स स्टे इन जियोग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन। जो हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में स्टे करता है उस एंड को हम नॉर्थ पोल, और जो साउथ डायरेक्शन में स्टे करता है उसे साउथ पोल कह देते हैं। बात समझ आ रही है? मैग्नेट्स कितने पोल हो जाएंगे? टू पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल कौन सा होगा? जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट्स का वो पोल जो नॉर्थ डायरेक्शन में स्टे कर रहा है वो नॉर्थ पोल, और जो साउथ में स्टे कर रहा है उसे साउथ पोल। साउथ पोल। अब इसके बाद एक चीज ये भी देखते हैं, सपोज मैंने दो मैग्नेट्स ले लिए और उनके अपोजिट पोल की बात हम करें या फिर उनके लाइक पोल की बात करें तो उनके बीच जो फोर्सेस लगेंगे, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखो बेटा। अगर ये दो मैग्नेट आपने ले लिए, ये आपने दो मैग्नेट ले लिया, ये भी नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल हो गया। इस केस में भी सपोज ये नॉर्थ पोल और ये वाला साउथ पोल। आप चाहे जितना छोटा ले लो मैग्नेट का, आप चाहे जितना छोटा पीस लो, इसके दो पोल हो गए ही। ऐसा नहीं कि अगर आप इससे इसको तोड़ दोगे तो अब केवल एक ही इसका पोल रह जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जैसे ही आप इसको ब्रेक करोगे फिर ये वाला आपका साउथ क्रिएट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट अपने आप, और ये वाला नॉर्थ बन जाएगा। इसलिए आप समझो कि चाहे जितना छोटा पोल हो उस मैग्नेट हो उसके दो पोल। अभी क्या है, दीज आर द सेम पोल्स नॉर्थ एंड नॉर्थ। तो जब यहाँ नॉर्थ दोनों सेम पोल हो गए तो इनके बीच कैसा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। रिपल्सन, रिपल्स। फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जस्ट अपोजिट, सपोज आपने यहाँ जो ले रखा है इसको मैंने उल्टा रख दिया साउथ एंड नॉर्थ, अब अपोजिट पोल हो गया, इनके बीच कैसा फोर्स लगेगा? एफ अट्रैक्शन। अब ये अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। ये बेसिक लॉ है, इसको याद रखेंगे कि लाइक पोल अनलाइक रिपेल ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, आगे चलते। इन मैग्नेटिक फील्ड, अटर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक टॉपिक आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनका एक और भी नेम है बेटा, इसको आप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, दूसरा नेम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या है? इसमें आप ऐसे समझो, सपोज दैट आपने एक बार मैग्नेट ले लिया, इसके दो पोल होंगे बेटा नॉर्थ एंड साउथ। अब आप देखोगे क्या, कुछ ऐसी इमेजिनरी लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन व्हिच अपीयर टू स्टार्ट फ्रॉम इट्स नॉर्थ पोल एंड एंड्स टू साउथ पोल। बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर्स में कुछ इस तरीके से ये नॉर्थ पोल से डायरेक्शन ध्यान देंगे बेटा, जो एरो मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है, ऑल द फील्ड लाइन्स स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स नॉर्थ पोल एंड एंड्स टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल में निकलती हैं और साउथ पोल में इंटर कर जाती हैं। सेकंड थिंग, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स, रियल लाइन्स नहीं होती हैं। कैसी होती हैं? इमेजिनरी लाइन्स, इमेजिनरी लाइन। ये फोर पॉइंट्स याद रखो बेटा, 1, 2, 3 एंड ये कैसी होती हैं? इमेजिनरी होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक। सेकंड पॉइंट, स्मूथ, स्मूथ का मतलब बेटा क्या है? इधर ध्यान, ये मैंने इसको फ्री हैंड से बनाया, ये कुछ इस तरीके से नहीं होगी, जैसे देखो ये ऐसे नहीं होगी, ये कॉर्नर्स, ये एंगल्स नहीं बनेंगे, ये फ्री हैंड से ऐसे कर्व शेप में जाएगी, ऐसे जैसे मैंने इसमें दिखाया, इस तरह के कॉर्नर्स जैसे ऐसे वो नहीं होंगे जाएंगे। ये क्लियर समझ में आ रहा है? तो ऐसी लाइंस, इस तरह की लाइंस जो फ्री हैंड से जैसे मैंने यहाँ इंडिकेट किया है, जब इस तरह की शेप की होगी उनको क्या बोलोगे? स्मूथ। ये एंगुलर टर्न नहीं होना चाहिए, फ्री हैंड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब क्या है? आप जरा ध्यान से देखो, ये बार मैग्नेट हुआ, आपने सिंगल जैसे सबसे पहली वाली फील्ड लाइन्स को देखो, ये नॉर्थ से निकली और साउथ को एंड हो गई। इट मींस यहां पर एक क्लोज्ड लूप बन रहा है। कैसा लूप बन रहा है? क्लोज्ड लूप, एक बंद लूप बन रहा है। खुला है क्या? ये नीचे आपका बार मैग्नेट है, ये आपकी फील्ड लाइंस बन गई, एक लूप दिख रहा है। तो हम ये भी कहेंगे कि ये क्लोज्ड लूप की होती है। सेकंड थे लास्ट थिंग्स याद रखेंगे, स्ट्रेट आर, स्ट्रेट सीधी भी हो सकती है या फिर कर्व, ये जैसे यहां पे हमने कर्व का शेप दिखाया, ये सीधी भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, इस तरीके से भी। तो इन फोर पॉइंट्स को मिलाकर के हम एक इसकी डेफिनेशन देंगे, वो डेफिनेशन नोट कर लो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए ये डेफिनेशन आप याद रखिए, हेडिंग दीजिए मैग्नेटिक
अभी जो हेडिंग दी गई थी उसी में, दीज आर इमेजिनरी, दीज आर इमेजिनरी कामा स्मूथ कामा क्लोज्ड लाइंस एंड स्ट्रीट आर स्ट्रीट आर कारुड लाइंस बीच ऑलवेज, ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स टू साउथ पोल। ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल को इंड हो जाती है, मीन्स टर्मिनेट कर जाती हैं, यानी समाप्त हो जाती हैं। एक बात ये भी याद रखेंगे बेटा, अब जब यहां से निकल करके साउथ में इंटर कर जा रहे हैं तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये फील्ड लाइंस इस मैग्नेट के अंदर भी होंगी। तो कभी कभी पूछ देता है What is the direction of magnetic field lines inside a magnet? मैग्नेट के अंदर में फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, आप कैसे बताओगे? बाहर में डायरेक्शन क्या है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और इसके अंदर क्या हो सकती है? साउथ टू नॉर्थ, इमेजिनरी लाइंस वो दिखती तो है नहीं, तो आप बस उसको याद रखोगे कि इन साइड में अंदर में डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड बाहर में नॉर्थ टू साउथ। अब कुछ इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी होती है, उनको भी देख लिया जाए। Some properties first one properties. पहली properties तो यही थी, these field lines always start from north and ends to south। एक single फिर से बना लीजिए, नहीं बना रहा। ये नॉर्थ से निकल रही है साउथ को समाप्त, तो इसी चीज को आप प्रॉपर्टीज में भी इंडिकेट कर लेंगे कि दीज फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड्स टू साउथ। सेकंड पॉइंट क्या देंगे, तो सेकंड पॉइंट को जरा ध्यान से देखो। सपोज बेटा ये पॉइंट मैंने लिया पी, We have to know that what is the direction of magnetic field at this point? इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी? Yes, वही पूछा था। इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा करो, ये टेंजेंट होगी, इस पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ किया, टेंजेंट, क्या बोलेंगे उसे? टेंजेंट। तो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे उस मैग्नेटिक फील्ड की वही डायरेक्शन रिप्रेजेंट होगी। सपोज मैंने एक दूसरा पॉइंट ले लिया क्यू, इस पॉइंट पे क्या होगी फील्ड की डायरेक्शन? आप यहां पे एक टेंजेंट दिखा दो, तो ये जो डायरेक्शन होगी इस क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट होगी। तो आप यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी में
आप नोट कर लेंगे द टेंजेंट लिखते चलो साथ में द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉन करें रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फील्ड मीन्स मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट इन फील्ड लाइन्स के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट आप ड्रॉ करें दैट टेंजेंट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को वो रिप्रेजेंट करेगा दैट्स ओके थर्ड पॉइंट एक और इसकी प्रॉपर्टीज आप देखो अब आप देखते क्या होगी ये जो टेंजेंट्स हैं ये बिल्कुल अलग अलग हैं ये टेंजेंट ये अलग पॉइंट पे है ये अलग पॉइंट पे है इट मीन्स अगर हम दो टेंजेंट की बात करें तो वे एक दूसरे को इंटरसेक्ट सॉरी दो फील्ड लाइंस की बात करें जैसे एक ये फील्ड लाइंस है ये नीचे वाली है एक यही पे आप ऐसे भी ले सकते हो तो कह रहा है कि ये फील्ड लाइंस कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है जहां से निकल रही है अलग अलग निकलेगी पूरे स्पेस में अलग अलग होगी कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेंगे उसके पीछे क्या काज है उसको भी आप अच्छे से जानो तो थर्ड पॉइंट वो यही कह रहा है एनी टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट एनी टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ये कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती क्यों नहीं कर सकती भाई मान लेते हैं अगर दो फील्ड लाइंस हैं ध्यान से देखो एक ये फील्ड लाइन है और दूसरी चलो मैंने ये ले लिया ये फील्ड लाइन ये फर्स्ट वन और ये सेकंड वन ये तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो फिर क्या दिक्कत होगी इंटरसेक्ट करने से एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पी पॉइंट पे अब हम टेंजेंट ड्रा करते हैं फर्स्ट फील्ड लाइंस के लिए टेंजेंट ये ड्रा होगी इसको मैंने नेम दिया टी वन टेंजेंट वन पहली वाली के लिए सेम पॉइंट पे अब दूसरी वाली के लिए भी टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं ये हो गई टी टू अब हमने क्या देखा टू टेंजेंट्स टी वन एंड टी टू कैन बी ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट मीन्स देयर विल बी टू डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन पे कितनी डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो रही है टू दो इसका मतलब ये हुआ कि हेलो हेलो इसका मतलब बड़ा ये हुआ कि पी पॉइंट पे जब दो दो टेंजेंट आप ड्रा कर रहे हो मीन्स एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो रही हैं दैट विल बी नेवर पॉसिबल क्या एक ही पॉइंट पर एक ही फील्ड की दो डायरेक्शन हो सकती है क्या नहीं हो सकता वो एक ही डायरेक्शन होगी या तो टी वन के अलांग होगी और नहीं तो टी टू के अलांग और ये कह रहा है कि एक ही पॉइंट पे दोनों हमने ड्रॉ किया यानी दोनों डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो रही है तो कंक्लूजन क्या निकला कि कभी भी टू फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो हमने इसी चीज को नोट किया है एनी टू फील्ड लाइंस कैन
नेवर इंटरसेक्ट। इस रीजन को भी आपको दिखाना पड़ेगा इफ दे डू सो, यदि वो ऐसा करती हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, दो टेंजेंट ड्रॉन होगी, दस टू डायरेक्शन, टू डायरेक्शंस विल बी रिप्रेजेंटेड एट दैट पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी देखा कि किस तरीके से ये फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं और क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं। आपसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा कि व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, गिव एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ दीज लाइंस, कोई इनकी टू प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज का आप जिक्र करें और ये क्या होती है ये भी बताएं। तो आई थिंक आप कर सकते हो। अच्छा, किसी को दिक्कत है बड़ा इसमें? एनी वन ऑफ यू हैव एनी ट्रबल इन दिस टॉपिक? किसी को कुछ? सर इसका फर्स्ट पॉइंट बताएं। फर्स्ट पॉइंट बेटा आप वही याद रखो, फर्स्ट पॉइंट मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, कहीं नोट कर लो, दीज आर द लाइंस व्हिच ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स टू साउथ पोल। ओके ओके सर। थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट अभी मैंने आपको बताया, एनी टू फील्ड लाइंस, सुन लो फिर से, एनी टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, ये आपको डायग्राम शो कर रहा है। मैंने एक्सप्लेनेशन में दिया इफ दे डू सो, बाय द वे यदि दो फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती है तो कौन सी समस्या पैदा होगी उसको समझो। If they do so at the point of intersection, two tangents can be drawn. उस पॉइंट पे जहां पे वे इंटरसेक्ट कर रही हैं, टू टेंजेंट्स ड्रॉन होगी, दस टू डायरेक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड, उस पॉइंट पे कितनी दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट होगी एट दैट पॉइंट एंड विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबल ही नहीं है तो हम कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि दो फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। ये कंक्लूजन निकला इसका। ये थ्री पॉइंट्स हैं, इनमें आपसे दो को लिखने को कहेगा, आप इनमें से किस नोट कर सकते। ओके सर, फर्स्ट पॉइंट बताइएगा सर। आप फर्स्ट पॉइंट में याद रखेंगे, सुनो, फर्स्ट पॉइंट, these field lines always starts from north pole and ends to south pole. बस आप एक पॉइंट ये भी याद कर सकते हो, these are closed field line, हमने पहले ही में बताया था ना, closed field line, ये closed loop बन रहा है, open नहीं है, open होती है electric field lines, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट ये था कि एट एनी पॉइंट
the tangent drum represent the direction of magnetic field at that point. Okay, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है. ओके, हाँ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखा तो था हमने अभी. नहीं नोट कर पाए हो क्या? सेकेंड पॉइंट पे फिर से एक बार सुन लो. द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन दीज फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट. ओके, और कोई दिक्कत इसमें? नो सर. शुरू बता है ना कि इमेजिनरी होती है, स्मूथ होती है, उसको एक बार और फिगर से बता दीजिए कैसे होती है. हाँ, तो फिर से सुन लो, हमने लिखा है इमेजिनरी का मतलब क्या बेटा, जिसको आप रियली जिसको आप रिप्रेजेंट कर सको. तो ये फील्ड लाइंस जो आपने ड्रॉ करके हमने दिखाया है, ये रियल लाइंस नहीं है. रियल लाइन का मतलब जिनका हम फोटोग्राफ ले सके, जिसको स्क्रीन पे फाइंड किया जा सके, ये ऐसा कुछ भी नहीं है. ये केवल इमेजिन करी जाती है, तो इमेजिनरी हो गई. स्मूथ मैंने कहा कि ये फ्री हैंड से होती है, जैसे देखो कर्व शेप में, ये इस तरह से नहीं होगी. अगर हम कहें कि ये आ रही है, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, मतलब इस तरह का ये एंगुलर शेप में नहीं होगी. ये हमेशा ऐसे कर्व शेप में होगी. इसको बोलते हैं कि स्मूथ है. दैट्स ओके, आई बात समझ में? तो ये स्मूथ हो गई. फिर इसके बाद कह रहा है क्लोज्ड. तो क्लोज्ड मींस जब ये फील्ड लाइंस बनती हैं, तो यहाँ पे एक ये लूप बन रहा है. कैसा लूप? क्लोज्ड लूप, बंद लूप. यहां से स्टार्ट हुआ और यहां बंद हो गया, तो एक बंद लूप बन रहा है कि नहीं, घेरा टाइप का? Yes. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, जो फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे, कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज, तो वो पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पे जाकर के टर्मिनेट हो जाता है. ओके, तो अब यहाँ पे ये क्लोज्ड नहीं है. क्यों क्लोज्ड नहीं है? क्योंकि देखो बीच में खाली है, यहां से निकला और यहां जाके खत्म हो गया, तो नीचे कुछ है क्या? नहीं है. तो नहीं है तो ये ओपन हुआ. ये ओपन लाइन्स है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. और ये कौन सी है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि बीच में इसमें बार मैग्नेट है, यहां बीच में कुछ भी नहीं. तो यही बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, कि ये ओपन होती हैं और ये क्लोज्ड होती है. ओके, एनी मोर क्वेश्चन? तो आज का टाइम भी आपका फिनिश होने को है, और आप जो है अच्छा. हेलो, अच्छा, एक आध बच्चों ने हमारे को फोन किया था, कुछ उसको दिक्कत था, जैसे एक खुशी कुमारी फोन की थी. लाइव है कि नहीं? हेलो स्टूडेंट्स. Yes, चलो ठीक है, कोई दिक्कत हो तो फिर बताना, अदरवाइज करता हूँ. सर, हाँ बोलो बेटा. सर, हाँ बोलो सर. लास्ट आपने क्वेश्चन